तो क्या मोदी भक्त दसवीं पास भी है? क्या नरेंद्र मोदी चौथी पास है? इस देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि बिल क्या है? ये सिर्फ अडानी अंबानी ने बना दिया, ये लागू करता है क्योंकि उसके पास नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, राज्यसभा में बहुमत है। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा में आप बहुमत में होंगे, संसद में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। जब मुसलमान सीए का विरोध करने बैठ जाता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है। जब शेड्यूल कास्ट के लोग उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में रास्तों के ऊपर आते हैं तब वो नक्सलाइट हो जाते हैं, और जब आप किसान रास्तों के ऊपर आ रहा है तब वो खालिस्तानी है। इसलिए मैं पूछता हूं, तो देशभक्त कौन है? जो तड़ीपार है, जो तड़ीपार थे, अब यूनियन में मिनिस्टर बने हैं, क्या वो देशभक्त है? आप हमें बताइए, ये किस तरह से किसानों के समर्थन का है ये बिल? अडानी अंबानी ने पहले से ही अभी एकड़ एकड़ में वेयर हाउसेस बना के रखे हुए, कोल्ड स्टोरेज उन्होंने बना लिए हैं। यानी कल को हम लोगों को, इस देश के लोगों को, किसानों को छोड़ दो, आम आदमी को अगर कोई सब्जी खरीदनी है तो वो सिर्फ अडानी और अंबानी से ही खरीदी जाएगी। तो इस तरह से ये कानून पूरी तरह से किसानों को और देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए। अडानी अंबानी ने मोदी को लाने में सहायता की है, जेट प्लेन्स दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं, और इसलिए इनके पैसों के ऊपर चुनकर मोदी जी ने अपना साम्राज्य स्थापन किया है। और इसलिए बदले में अब मोदी जी इनको राफेल दे रहे हैं, इनको अभी किसानों की ज़मीनें दे रहे हैं, वेयर हाउसेस दे रहे हैं। ये सारा अब गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है। यानी चुनाव जीतने के लिए अडानी अंबानी इनको मदद करेंगे और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी व्यवस्था खड़ी करेंगे। ये जो बिल है, सबसे पहली खामी तो ये है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार स्टेट को है। जो फार्मर बिल है ये अधिकार स्टेट्स को है, लेकिन यहाँ पर किसी स्टेट को पूछा ही नहीं गया है, किसी स्टेट ने, बल्कि सारे स्टेट तो विरोध कर रहे हैं। अगर इस कानून को, इस बिल को टेबल पर लाया जाता तो ऑब्वियसली सारे स्टेट मना कर देते कि हम हमारे स्टेट में ये कानून नहीं बनने देंगे। तो सबसे पहला खामी ये है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बनने के बाद इसमें क्या है कि यहाँ का जो फार्मर है, किसान है, ये किसान अब उन्हीं के ज़मीन पर मजदूर बन के रह जाएगा, क्योंकि इन लोगों को अधिकार नहीं होगा। MSP हटा दिया है, APMC हटा दिया है, और ये सारा अधिकार जाएगा अडानी अंबानी के लिए, क्योंकि इन्हीं के पैसों के ऊपर मोदी जीत के आए हैं, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हीं के आदेश पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये देश धीरे धीरे मोदी अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। सर, जो मोदी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है पक्ष में है, अच्छा, और मोदी जो है ये वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं। देखो, ये मोदी समर्थक पता नहीं कौन से ग्रह से आए हुए हैं, ये अंधभक्त भी नहीं बोल सकते इन लोगों को। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या किससे पढ़ते हैं पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक इस बिल का विरोध कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कल हमने प्रशांत भूषण जी को देखा, वो भी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो क्या मोदी भक्त दसवीं पास भी है? क्या नरेंद्र मोदी चौथी पास है? इस देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि बिल क्या है? ये सिर्फ अडानी अंबानी ने बना दिया, ये लागू करता है क्योंकि उसके पास नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, राज्यसभा में बहुमत है। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा में आप बहुमत में होंगे, संसद में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। बिल को सर एक तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष के हैं, ये खालिस्तानी हैं। नहीं, देखो, ये तो मोदी जी की स्टाइल है। जब मुसलमान सीए का विरोध करने बैठ जाता है तो वो पाकिस्तानी हो जाता है। जब शेड्यूल कास्ट के लोग उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में रास्तों के ऊपर आते हैं तब वो नक्सलाइट हो जाते हैं, और जब आप किसान रास्तों के ऊपर आ रहा है तब वो खालिस्तानी है। इसलिए मैं पूछता हूं, तो देशभक्त कौन है? जो तड़ीपार है, जो तड़ीपार थे, अब यूनियन में मिनिस्टर बने हैं, क्या वो देशभक्त है? क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो मालेगांव बॉम्बस्फोट में बेल पे है, अभी भी सजा खत्म नहीं हुई, बेल के ऊपर बाहर है, क्या ये देशभक्त है? क्या इनके नजर में ये लोग है देशभक्त? सर, MSP को लेके कहा जा रहा है, रोज ट्वीट आ रहा है सरकार का कि भाई ये MSP लागू है, दे रहे हैं, लेकिन लिखित में ही नहीं दे रहे। यही है ना, वो मोदी जी का सिर्फ जुमला होता है,
मोदी जी का, अमित शाह का सिर्फ जुमला होता है, लिखित में कुछ नहीं होता। तो ये देश के लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हैं क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है। पूरा मीडिया दिन भर इस बिल का समर्थन कर रहा है, आज तक समर्थन कर रहा है, बाकी रजत शर्मा समर्थन कर रहा है, ये सभी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या देश के लोग पागल हैं? क्या इन लोगों में एडवोकेट बैठे नहीं हैं? क्या इन लोगों में जजेस बैठे नहीं हैं? क्या हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? तो ये सिर्फ इन लोगों को, देश के जो लोग हैं, अंधभक्त हैं, जो बीजेपी फेवर के हैं, उनको ये बताना है कि हम लोग ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्या हम लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर ठंडी में बैठने के लिए हम लोगों को क्या मज़ा आता है? हम लोगों को हमारा काम करने दो, हम अपनी नौकरियां छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, शिक्षा छोड़कर यहाँ पर रास्तों के ऊपर बैठने के लिए नहीं आए थे? हम 5 साल यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं? आपको यहाँ पर हम लोगों ने चुनकर दिया है, इसका मतलब क्या हमको ही रास्तों के ऊपर उतरना पड़ेगा? इस तरह के कानून ये लोग बना रहे हैं। आज भारत बंद है, क्या भारत बंद का असर दिखेगा? दिखा भारत बंद पूरे देश भर में ये अच्छे मायने में हुआ। आज महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई में BST बंद रखी गई, ST बंद रखी गई, सभी दुकान वॉलेंटरीली बंद रखे गए, पूरा महाराष्ट्र आज बंद था। यहाँ पर दिल्ली में आकर हमने देखा, यहाँ पर भी सड़कों के ऊपर, जिस सड़कों से हम यहाँ पर आए वो सड़क इतनी खाली नहीं होती जो आज इतनी खाली थी। तो पूरा देश आज भारत बंद का एक अच्छा प्रतिसाद यहाँ पर मिला है। अगर बिल वापस नहीं लिया तो आगे क्या किसानों का क्या होगा? देखो, ये बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलते रहना चाहिए, इसी तरह से ये चलता रहेगा। सर, योगी सरकार जो है वो कह रही है शंकाओं का समाधान करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे। अच्छा, ये जो बीजेपी की सरकार है ये समझाने में लगी हुई है, कहाँ आप लोगों की सुन रही है? नहीं, सुने या नहीं सुने, लोकतंत्र में हम लोगों को विरोध करने का अधिकार है। जब तक आप हमें बताइए ये किस तरह से किसानों के समर्थन का है ये बिल। अडानी अंबानी ने पहले से ही अभी एकर एकर में वेयर हाउसेस बना के रखे हुए, कोल्ड स्टोरेज उन्होंने बना लिए हैं। यानी कल को हम लोगों को, इस देश के लोगों को, किसानों को छोड़ दो, आम आदमी को अगर कोई सब्जी खरीदनी है तो वो सिर्फ अडानी और अंबानी से ही खरीदी जाएगी। तो इस तरह से ये कानून पूरी तरह से किसानों को और देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए, का कानून आया था एनआरसी का, तो वहाँ भी डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, इसमें भी ये कोशिश हो रही है कि विपक्ष भड़का रहा है और ये वास्तव में किसान नहीं है। देखो, पहली बात तो मैं विपक्ष को कहना चाहूँगा कि विपक्ष है कहाँ पर? राहुल गांधी जी तो बाहर, देश के बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। इस देश का जब विपक्ष नहीं होता, इस देश का जब विपक्ष मर जाता है, सो जाता है, तब इस देश के लोग विपक्ष की भूमिका करते हैं। और इसलिए ये किसी पार्टी का नहीं, ये देश के लोग हैं जो विपक्ष का काम कर रहे हैं। आज बाहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जब आवाज़ उठ रही है, जिस बिल का समर्थन मिल रहा है, कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो देश के कुछ लोग, सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है हमारा ये अंदरूनी मामला है, तो क्या कहना? नहीं, ये अंदरूनी मामला नहीं है, देश का संविधान अंदरूनी मामला नहीं है। देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। अगर इस देश के संविधान का एक भी आर्टिकल के साथ छेड़खानी होती है तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बनता है। ये लोग हमको बहका रहा है कि अंदरूनी मामला है, हम अपना अपना देख लेंगे, ऐसा नहीं है। ये अंदरूनी मामला नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट, किसानों के फंडामेंटल राइट्स, ये लड़ झगड़ कर 200 साल यहाँ पर ब्रिटिशों ने जब राज किया तब लड़ झगड़ कर हमारे लोगों ने उनसे छीने हुए हमारे अधिकार है, ये इतने आसानी से हम लोग इसको गवाएंगे नहीं। सर, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है, आखिर अडानी अंबानी को क्यों देना चाह रही है पूरा ये? देखो, अडानी अंबानी ने मोदी को लाने में सहायता की है, जेट प्लेन्स दिए है, करोड़ों रुपए दिए है, और इसलिए इनके पैसों के ऊपर चुनकर मोदी जी ने अपना साम्राज्य स्थापन किया है। और इसलिए बदले में अब मोदी जी इनको राफेल दे रहे हैं, इनको अभी किसानों की ज़मीनें दे रहे हैं, वेयर हाउसेस दे रहे हैं, ये सारा अब गिव एंड टेक का रिलेशन चल रहा है। यानी चुनाव जीतने के लिए अडानी अंबानी इनको मदद करेंगे और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी व्यवस्था खड़ी करेंगे। जब भारत का GDP 23.9 पर गिर चुका था तब देश में अंबानी 7वें क्रमांक पर आ गया था वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में। तो एक बात मुझे बताइए, जब देश का GDP गिर रहा है तब देश का एक आदमी ऊपर ऊपर कैसे जा रहा है? उसको भी तो, उसका भी इनकम नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अंबानी 7वें क्रमांक पर आता है। अगर सपोज ये बिल लागू हो जाता है तो आने वाला भारत कैसा रहेगा? सर देखिए, ये बिल अगर लागू हो जाता है तो किसान जिस तरह से बंधुआ मजदूर होते हैं उस तरह से किसान बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। अच्छा, स्मृति
स्मृति ईरानी का एक बयान आया है, वो बोल रही है भ्रम फैलाने वाले गैंग सफल नहीं होंगे। देखो ये स्मृति ईरानी तो एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, एक तो पहले दसवीं पास नहीं थी, फिर दसवीं का सर्टिफिकेट जाली लेकर आई, अब बारहवीं पास का जाली लेकर आई, ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है इन लोगों को तूल देना भी कोई इम्पोर्टेंस देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। स्थायी समाधान क्या है सर इन सब चीज़ों का, जो जिस तरीके से एक बार किसान निकलते हैं, एक बार एक एक लोग निकलते हैं, मतलब एक साथ नहीं आ रहे हैं लोग। नहीं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं होना चाहिए। इस देश का प्रीएम्बल लिखता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और इसलिए ये किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं किसान नहीं हूँ, मैंने मेरे पुश्तों ने कभी हल नहीं चलाया, लेकिन फिर भी मैं आज इस आंदोलन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भारत का एक इंसान हूँ, इस देश में रहता हूँ। ये किसान अगर काम नहीं करेगा तो मैं मेरे घर में चूल्हा नहीं जल सकता। इसलिए हम लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि किसान के लिए हम खड़े रहेंगे, हमारे लिए किसान रहेगा, विद्यार्थी भी यहां पर खड़े रहेंगे, गृहिणी खड़े रहेंगे। इसलिए यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, देश के लोगों का है।